हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से लेकर आ गई एक नई डिश रिचास किचन में। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल मुंबई के जैसे वड़ा पाव, जो वहाँ की बिल्कुल मशहूर डिश है। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें कैसे बनाने और क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। चलिए आइए वड़ा पाव की चटनी बना लेते हैं सूखी वाली। उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बता देती हूँ मैं पहले आपको। सूखी हुई लाल मिर्च 4-5, थोड़ी सी हाफ कटोरी हमको चाहिए मूंगफली के दाने, 1 कटोरी हमको चाहिए कोकोनट पाउडर, मतलब हम इसे घर में हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। 4-5 हमको, मैंने 4 से 5 में बड़े थोड़े लहसुन की कुतियां ली हैं। इन सब चीजों को हमें अब रोस्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। हमें कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है और अब इसमें जो हम इसे गर्म होने देना है। अब हमने जो खड़ी लाल मिर्च ली थी उसको इसमें हमें थोड़ा सा डालकर इसको मतलब फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। मिर्च फ्राई हो गई है, मैंने निकाल लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब इसमें जो हमने मूंगफली के दाने हैं वो इसमें हम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें रोस्ट करना है। अब देखिए हमारी ये मूंगफली हमने 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लिए, अभी सब रोस्ट हो गई हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। इन सारे मसालों को हमें ठंडा होने देना है। अब हम इसमें लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट अच्छे से, हल्का सा ब्राउन ब्राउन। ये देखिए हमारा लहसुन एकदम से ब्राउन हो गया है, हम इसे भी निकाल लेंगे बाहर। हमें और ऑयल ऐड नहीं करना है, बस इसी में ही हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अपना जो हमारा नारियल का बुरादा है हम इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट। देखिए हमारा नारियल भी भून गया है, इसको भी निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। हमने सारा मसाला रोस्ट कर लिया और एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम सबको ग्राइंड करेंगे। देखिए अभी सब ठंडा हो गया है, हम इसे ग्राइंडर में डाल देते हैं। हम मसाले को सारा ग्राइंडर में ऐसे ही डाल लेंगे। याद रखिए देखिए हमारा मसाला सूख गया है और हम सारे मसाले को ग्राइंडर में डाल लेंगे। याद रखिएगा मसाला बिल्कुल आपका ग्राइंडर बिल्कुल सूखा होना चाहिए और हमें ये मसाला भी बिल्कुल सूखा सूखा पीसना है, कोई पानी नहीं डालना है इसमें। हमें थोड़ा सा इसमें नमक और डालना है, बहुत थोड़ा सा नमक डालिएगा और इसे पीस लेते हैं। देख सकते हैं हमारी कितनी चटनी बिल्कुल, ये मसाला जो है सूखा मसाला ये पीस गया है और ये ऐसे दरदरा दरदरा ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये बन गया हमारा मसाला। चलिए अब आइए चलते हैं वड़ा कैसे बनेगा। चलिए अब वड़ा बनाते हैं। वड़ा बनाने के लिए मैंने 3 बड़े आलू को काट कर उबाल लिया है। ये उबले हुए आलू हैं, मैंने इनको पहले से ही बॉईल कर लिया था। अब इनको हम मैश कर लेंगे अच्छे से। और हमें क्या चाहिए, मैंने 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, इसका हमें अच्छा सा बैटर बनाना है। अब इस पहले हम बेसन वाले बैटर को तैयार कर लेते हैं। इसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा थोड़ी सी 2 पिंच हल्दी डालेंगे जिससे कलर अच्छा आ जाए, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और हल्का हल्का पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे जैसे हम पकौड़े के लिए बनाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले मिक्स करते रहेगा, एकदम से ज़्यादा सा पानी मत डालिएगा नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैसे हमारे पकौड़ों के लिए होता है बिल्कुल मैंने वैसे ही रखा है। ये अच्छे से मिक्स अच्छा बैटर बन गया हमारा। अब आइए आलूओं का मिक्सचर बना लेते हैं। चलिए देखिए मैंने आलू मैश कर लिए हैं। अब इसमें छोटा सा थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, छोटा प्याज डालना है, ज़्यादा प्याज नहीं डालना है।
थोड़ी सी इसमें बिल्कुल 1 pinch ऑफ हल्दी। अगर आप चटपटा खाते हैं, वड़ा पाव थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 tablespoon इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। 1/2 tablespoon सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ और इसका एक अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से और इसकी बॉल्स बना लेंगे। देखिए मेरा सारा मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी ऐसे हमें थोड़ी छोटी छोटी बॉल्स, मतलब एक लड्डू बराबर जैसे हाथ में पूरा ऐसे आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी हमको इसको ऐसे इसकी बॉल्स बना लेनी है। देखिए अब हमारी सारी बॉल्स तैयार हैं। इनको फ्राई करने के लिए हमने गैस पर तेल रख दिया है, ये प्री हीट हो रहा है। इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसमें डिप करके बॉल्स डालेंगे। हम एक बॉल लेंगे और इसको इसमें ऐसे से डिप कर लेंगे, अच्छे से पूरा अच्छे से डिप करेंगे हम। और इसको अब हम ऐसे ही गैस पे डाल देंगे और बिल्कुल हमें जो गैस है वो बिल्कुल मीडियम कर देनी है और इसे हमें सारे बॉल्स को ऐसे ही डाल देना है। देखिए मैंने ये 4-5 बॉल्स डाल दी है, इनको ज्यादा ना भरे हमारी कढ़ाई को, नहीं तो फिर ये पलटने में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं और इनको अच्छे से हमें फ्राई करना होता है। और इन्हें जल्दी ना पलटे, पहले नीचे वाला हिस्सा जो हमें क्रिस्पी ब्राउन हो जाने दें थोड़ा सा, उसके बाद ही इसको पलटे। अभी थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, नीचे की साइड से देख सकते हैं आप, हमें इन सबको पलट देंगे। देखिए हमारे वड़ा पाव जो है देखो कैसे एकदम से बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं। हमने सब निकाल लिए हैं एक प्लेट में, अभी ठंडे हो जाएं थोड़े से, फिर हम इनको बड़े में लगा देते हैं। चलिए हमारा सब सामान तैयार हो गया है, अब हम इस पर डालते हैं हमारा सूखा मसाला जो हमने बनाया था। अच्छे से हम इस पर स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से लगा लेंगे पाव पे। बिल्कुल फ्रेश पाव लीजिएगा और इन्हें बीच से हम कट कर लीजिएगा और फिर इस पर अच्छे से मसाला स्प्रिंकल कर लीजिएगा। अब ना एक पाव हमने जो कर बनाए हैं इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके इस पे ऐसे रख दीजिएगा। एक हरी मिर्च ले लीजिएगा, उसे बीच से काट के थोड़ा सा फ्राई करके इस पे रख दीजिएगा और बस हमारा वड़ा पाव खाने को है तैयार। आप देखिए वड़ा पाव रेडी है, बिल्कुल हमने इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया, बिल्कुल मुंबई जैसे वड़ा पाव है। इस रेसिपी को ट्राई करिएगा घर पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आपको ये डिश कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।